हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज़ लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर या किसी अन्य साइट पर चलने वाले मटेरियल व्हीकल सेफ्टी के बारे में। बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे मटेरियल व्हीकल वहां पर ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कि ट्रांजिट मिक्सर कॉन्क्रीट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करता है, वाटर टैंकर, जितने भी व्हीकल है वो वहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर इन मटेरियल व्हीकल के वजह से बहुत सारे हज़ार्ड्स वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। तो उस हज़ार्ड को आपको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे हज़ार्ड्स के बारे में। तो फर्स्ट हज़ार्ड है मटेरियल व्हीकल अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा ड्राइव होना, स्पेशली ये कंस्ट्रक्शन साइट पर नाइट शिफ्ट में होता है। देन सेकेंड, मटेरियल व्हीकल के इंश्योरेंस पॉलिसी PUC यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिसिंग होना, ये एक हज़ार्ड है। देन थर्ड, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ओवरलोड होना। देन फोर्थ, स्पीड लिमिट फॉलो प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पर ना होना। बैंक्समैन फ्लैगमैन वहाँ पर रिवर्सिंग के टाइम पे, यानी कि व्हीकल जब भी रिवर्सिंग होता है तभी हेल्पर के द्वारा प्रॉपर तरीके से ड्राइवर को जजमेंट ना मिलना, ये एक हज़ार्ड है। और हेल्पर ना होना वो भी एक हज़ार्ड है। देन ट्रांसपोर्ट वाटर टैंकर ट्रांजिट मिक्सर उसका ओवरऑल कंडीशन प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ना होना, यानी कि डैमेज व्हीकल कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाती है। देन ड्राइवर प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट ड्राइविंग करते वक्त वहाँ पर वेयर नहीं करता है, वो भी एक मेन हज़ार्ड है। देन एट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल या मटेरियल व्हीकल का मिरर डैमेज कंडीशन में होना या मिरर मिसिंग होना, ये एक मेन हज़ार्ड है। देन हेडलाइट टेल लाइट बोथ साइड इंडिकेटर्स हॉर्न टायर्स का कंडीशन ब्रेक्स कंडीशन प्रॉपर तरीके से ना होना, ड्रिंक एंड ड्राइव जैसी अनसेफ एक्टिविटी होना, यानी कि ये स्पेशली नाइट शिफ्ट में होती है। देन पुअर रोड कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसा ये एक मेन हज़ार्ड वहाँ पर अवेलेबल होता है। अभी हम देखेंगे प्रिकॉशंस के बारे में। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मटेरियल व्हीकल एंटर होने से पहले उसका डॉक्यूमेंट्स यानी कि PUC इंश्योरेंस और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मटेरियल व्हीकल का एंटर होने से पहले वहाँ पर उस ड्राइवर को सेफ्टी हेलमेट सेफ्टी जैकेट यानी कि मैंडेटरी PPE सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसी ड्राइवर को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा स्पीड लिमिट की जानकारी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जो स्पीड लिमिट है वो 10 किलोमीटर पर आवर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है, वो उसको ड्राइवर को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस मटेरियल व्हीकल को एंटर करने से पहले उसका ओवरऑल कंडीशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हॉर्न बोथ साइड इंडिकेटर्स मिरर्स कंडीशन टायर्स कंडीशन और हेडलाइट, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पीड लिमिट के बारे में जानकारी देने वाला साइनेज बोर्ड या PPE रिलेटेड साइनेज बोर्ड वहाँ पर मेन गेट के आउटसाइड पर अटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिस्प्ले होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उस स्पीड लिमिट का साइनेज बोर्ड कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर भी डिस्प्ले होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी व्हीकल कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर एंटर करती है तभी हेल्पर को उसी ड्राइवर को डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हीकल जब भी रिवर्सिंग होती है उस समय हेल्पर को ड्राइवर को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के वजह से ड्राइवर को प्रॉपर जजमेंट वहाँ पर मिल जाती है। मेन गेट हमेशा किसी भी ऑब्स्टेकल से क्लियर होना चाहिए, स्पेशली नाइट शिफ्ट में इल्यूमिनेशन वहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा हमेशा अल्कोहल पीने के बाद जो ड्राइवर्स वहाँ पर ड्राइविंग करते हैं उनको अलाउ नहीं करना है। तो आज हमने इस वीडियो में मटेरियल व्हीकल के हज़ार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।